तो हे गाइस, व्हाट्सअप में हम मतलब सर के साथ में आए हैं अभी बरघाट। मतलब हम बालाघाट से अभी मतलब 50 किलोमीटर पीछे में है एक जंगल। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है 15 मई। 15 मई को मेरे ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम 2-3 हफ्ते हो गए जो वीडियो अभी तक आया नहीं है। तो गाइस, आज की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज जा रहा हूँ बालाघाट, ठीक है। और अभी कोचिंग को कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, जो भी है देख लेते हैं इधर का काम और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है अभी, अभी इधर पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज का ब्लॉग स्टार्ट कोचिंग से हो रहा है। तो अभी थोड़ा वॉश वॉश भी कर रहा है मैं, लेकिन टाइम नहीं है। और हम अभी चलते हैं चार्जर लाने, ठीक है। तो चार्जर के लिए जाएंगे इससे, ठीक है, करके व्यवस्था देख लेते। तो हम चलते हैं कोटी बाज़ार, चार्जर लेके आ जाते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं बालाघाट। तो हमारा ड्राइवर ये भाई अब्दुल भाई, इधर ये सारा काला दिख रहा है क्या अपन? नहीं भाई, अबे गोरा है मैं। हाँ, तो ये काला से गोरा हो गया है। तो हम चलते चार्जर लाने। तो अकेला जा रहा है ना? चलना है। गाइस, हम अभी सेब ले लिए हैं और अभी अंगूर भी ले लेते हैं, उसके बाद केला ले लेंगे और फिर नारियल पानी भी ले जाएंगे, ठीक है। तो सारा कुछ अभी लेके चलते हैं, ठीक है। तो गाइस, हमें फ्रूट्स ला लिए, बस जूस ले जाना बाकी है, लेकिन लाइट नहीं है बैतूल में आज। और बोलते हैं कि बैतूल का आज मतलब क्या बोलना चाहिए, 200 वर्ष हो गए बोले बैतूल। तो आप देख सकते हैं बैतूल में, और वो आज सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि बैतूल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं लाइट ही नहीं है बैतूल में, मतलब बहुत डेवलपमेंट हो रहा है अभी। तो जो भी है गाइस, अभी हम जूस वूस ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो, जूस लेके सीधे चले जाइए। और हमारे साथ में हमारा ड्राइवर है परेश, मैं उसको ले। तो भाई, जूस पीना है तो कॉलेज चौक पे आके पी लेना आप लोग, ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ बाहर। तो यहाँ से चार मौसमी जूस ले जाने में को बालाघाट, मजाक कर रहा हूँ भाई, नहीं ले जाऊँगा। ये जूस पीने का पाइप है, लेकिन हमारे परेश भाई बोलते कि नौजल है। तो हे गाइस, व्हाट्सअप, हम आए हैं बरघाट वाले जंगल में और अभी फोटो सेशन का टाइम है वैसे। तो आप देख सकते हैं पेड़ भी इस प्रकार के, और मतलब बहुत ही घना जंगल है ये। और आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर में हम मतलब सर के साथ में आए अभी, और परेश भैया उधर है, अभी दिनेश सर भी उधर है। बाकी यहाँ से गाड़ी वाड़ी चल रही है। तो बरघाट मतलब हम बालाघाट से अभी मतलब 50 किलोमीटर पीछे में है एक जंगल में। बोलते हैं यहाँ पे आने जाने वाले के यहाँ शेर रहता है बोले, लेकिन अभी के समय वो चला गया है। अभी रियल शेर है यहाँ पे। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मतलब ब्लॉग शूट हो रहा है, मतलब मिनिमम 3 हफ्ते हो गए, ठीक है। तो देखते अभी बालाघाट में क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको पूरा वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो छूट जाएगा वो नेक्स्ट बार आके पूरा वीडियो दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलो चलते में सही फोटो आई आ रहा है। हाँ सर, चलो। तो अभी आप देख सकते हैं इधर, आप देख सकते हैं इधर फोटो सेशन चल रहा है कैमरा वाला। तो आप इधर के एरिया आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस, हमने मतलब बहुत ज़्यादा फोटो सेशन कर लिए, कम से कम भी 9 से 10 फ़ोटो खींचे हैं और मोबाइल पूरा स्टोरेज फुल हो गया 10 फ़ोटो में, ठीक है। तो ओबियसली जब भी बाहर निकलते तो एक मेमोरी कार्ड साथ में पेन ड्राइव लाना ज़रूरी है, लेकिन हमने पूरी सुविधा के साथ आ गए हैं। और हमारे साथ में छोटू भैया भी है। छोटू भैया इसलिए फ़ोटो नहीं खिंचा रहे क्योंकि उनने पहना है लोअर, और हर कोई फ़ोटो में लोअर नहीं खिंचवाना चाहते। बाकी गाड़ियाँ चल रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी वाले हमको देख रहे हैं कि फ़ोटो खींच रहे कि नहीं। और
हमारी गाड़ी इधर खुली है देख सकते हैं। तो ओबियसली आप समझना चाहिए कि जो भी है गाड़ी आ रही है जा रही है। तो गाइस दिमाग ख़राब हो रहा है, मोबाइल लेग हो रहा है मेरा भी, वीडियो बना रहा हूँ 3 हफ्ते के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ तब भी मोबाइल ऐसा हो रहा है।